देश से भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सत्ता और राजनीति में आए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कथित भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरह घिरते जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। समय उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 8वां समन दिया है, लेकिन वो 8वें समन पर भी पेश नहीं हुए। क्या केजरीवाल के कानूनी दांव पे ढीले हो रहे हैं? क्या वो भी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तरह इस जंजाल में उलझ जाएंगे या फिर कानूनी प्रक्रिया का सामना कर पाक साफ बाहर आएंगे? नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ मुक्ता सिंह। आज अपने इस खास शो में हम करेंगे केजरीवाल की मुश्किलों की पड़ताल। दिल्ली के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से 8वां समन, लेकिन केजरीवाल का हर बार यही जवाब, ये राजनीतिक साजिश है। मामला कोर्ट में है, उनसे पूछताछ की जरूरत आखिर क्यों है? लेकिन सोमवार 4 मार्च को जब ईडी का 8वां समन आया तो केजरीवाल को अपना रुख थोड़ा नरम करना पड़ा। वो 8वें समन पर भी पेश नहीं हुए, लेकिन इस बार साफ मना भी नहीं किया है, बल्कि केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब देते हुए कहा कि वो 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं 12 मार्च के बाद क्यों, जो बताना है अभी क्यों नहीं बता देते? देखिए, मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुके हैं और मुझे तरस आ रहा है उनके कानूनी सलाहकारों पे, जिन्होंने उनको अपने लिए ही गड्ढा खोदने में मदद किया है। अब केजरीवाल ने 8वें समन पर ईडी को जो जवाब दिया है उसके मुताबिक वो 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। हालांकि ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल से पूछताछ के लिए तैयार नहीं है। सवाल सभी के दिमाग में है, अरे भाई केजरीवाल जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास बड़े बड़े वकीलों की भारी भरकम टीम है, ऐसा थोड़े ही है कि आप ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाएंगे तो ईडी वाले दरोगा जी आपको बिठा लेंगे और घर नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री जी, क्या जैसा विपक्षी नेता कह रहे हैं, क्या वाकई आपको भी गिरफ्तारी का डर तो नहीं सता रहा है? ईडी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एजेंसी दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से आमने सामने पूछताछ करना चाहती है। वैसे भी ईडी के नियम कानून में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी के लिए ईडी के नियम कानून तो बदल नहीं जाएंगे। जब एजेंसी सभी से आमने सामने बिठाकर पूछताछ करती है तो भला केजरीवाल जी को ये लिबर्टी क्यों मिलनी चाहिए? क्यों उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? क्यों उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछताछ का नया विधान होना चाहिए? वैसे भी ईडी मुख्यमंत्री जैसे शख्स से पूछताछ करेगी तो कुछ सबूत उनके पास जरूर होंगे। उन सबूतों को आमने सामने की पूछताछ में केजरीवाल को दिखाया जा सकता है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ हुई और वो सबूत दिखाए तो ये सबूत कोर्ट से पहले पब्लिक में लीक होने का खतरा है। इस मामले में दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ईडी के समन को अभी तक अवैध बताते रहे हैं, लेकिन 8वां समन मिलने पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की हामी भरी है। दिल्ली की आबकारी नीति, जिसे सामान्य भाषा में शराब घोटाला कहा जाता है, वो केस अदालत में है। केजरीवाल ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय को समन जारी करने से पहले इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इस मामले पर कोर्ट में 16 मार्च को सुनवाई होनी है। ईडी इसके पहले केजरीवाल का पक्ष जानना चाहती है। अरविंद केजरीवाल विपक्ष के इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं। वो बार बार ईडी के समन को सियासत का हथियार बनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। केजरीवाल के पेश न होने पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर हैं। मैंने मुख्यमंत्री पद पे बैठे किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी के सवालों से ऐसा थरथर थरथर कांपते नहीं देखा है। 8वां समन है, आप बार बार डेट आगे मांगते हैं। पहला समन नहीं है, पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, और 8वें समन के बाद भी आपको सवालों का जवाब देने में डर लगता है। आप उसकी लीगालिटी पे सवाल उठा रहे हैं जबकि ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आपको जवाब देना है। इट्स ऑल लीगल, कोर्ट कह रही है। ऐसे
लीगल आधार के बाद भी आपसे और सवालों से भागना चाहते हैं। 12 मार्च को क्या वो लीगल हो जाएगा और अब तक लीगल नहीं हुआ? इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने शराब कांड में बड़ा घोटाला किया है और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ अब उनके बचने का कोई, उनके पास बेगुनाही का जवाब है ही नहीं। मेरा मानना है कि कानून को थोड़ा कड़ाई से अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो मैसेज दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये मैसेज देता है कि हमें कानून का पालन नहीं करना है तो ये बहुत ही चिंता की बात। देखिए, वैसे तो ईडी के सम्मन पूरी तरीके से गैरकानूनी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, मगर मुख्यमंत्री जी ने कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके प्रवक्ता बार बार कह रहे थे मुख्यमंत्री सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। हम कह रहे थे कि मामला सवालों का नहीं है, मामला ये है कि ईडी मुख्यमंत्री को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा बीच का रास्ता सुझाया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो सवाल ईडी के हैं सवाल पूछ ले, मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे देंगे। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तो आजकल जो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वकीलों की बहस हो जाती है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता ईडी को कोई परेशानी होनी चाहिए। हाँ, अगर इनके मन में कोई षड्यंत्र है, कोई दुर्भावना है कि इनको गिरफ्तार ही करना था, तो ज़रूर ईडी किसके लिए बहाने बनाएगी कि नहीं साहब आप आ ही जाइए, फिर ये बात दुनिया के लिए देश के लिए साफ हो जाएगी। मन में गिरफ्तारी है, सवाल जवाब सिर्फ बहाना है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये सवाल तो सबके दिमाग में उठ ही रहा है कि कथित शराब घोटाले में ये ईडी का केजरीवाल को 8वां समन है। केजरीवाल अभी तक ईडी की जांच में शामिल नहीं हुए हैं। केजरीवाल ने ईडी के समक्ष पेश होने के बजाय लिखित जवाब दिए हैं। केजरीवाल अब तक 7 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। अगर वो इस मामले में पाक साफ हैं, तो आखिर ईडी के सामने पेश होने से क्यों डर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने ईडी की तरफ से जारी सभी समन को अवैध करार दिया है। ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि एजेंसी ने अभी तक उन्हें ये जानकारी नहीं दी है कि उन्हें एक अभियुक्त के रूप में बुलाया जा रहा है या चश्मदीद के रूप में। आप सबको पता है कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जेल में हैं। एक के बाद एक इनकी सभी दलीलें कोर्ट में खारिज होती जा रही हैं। ऐसे में केजरीवाल की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में कौन दोषी है कौन नहीं, ये साबित करना तो कोर्ट का काम है, लेकिन हाल के घटनाक्रम से साफ है कि अगर केजरीवाल ईडी के सम्मन पर पेश नहीं हुए और कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं किया तो उनकी मुश्किलें निश्चित तौर पर और बढ़ जाएंगी। इस घटनाक्रम पर जो भी ताजा अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे, उसके मायनों पर अपने खास शो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में नुक्ताचीनी करते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत।